गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, इन दिनों विंटर गार्डन हम तैयार कर रहे हैं और इसके लिए कई सारे पौधों की हमें ज़रूरत होती है। तो इसके लिए नर्सरी तो जाना ही पड़ता है और नर्सरी से खाली हाथ आए ये भी अच्छा नहीं लगता और मन ही नहीं मानता है कि प्लांट नहीं खरीदें। तो आज मैं नर्सरी विजिट की वीडियो आपको दिखलाने वाली हूँ और नर्सरी की सैर करवाने वाली हूँ कि कौन कौन से पौधे अभी यहाँ मिल रहे हैं और किस हाल में हैं। और पूरी नर्सरी आपको दिखलाऊंगी और इस नर्सरी में और क्या क्या मिलते हैं और किस कारण ये बहुत स्पेशल है वो भी मैं दिखलाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करिएगा और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। तो दोस्तों, ये है हमारा पाल नर्सरी जो कि कैंसर हॉस्पिटल के बगल में है, फुलवारी शरीफ वाले रोड में, अनिसाबाद से फुलवारी शरीफ वाली रोड जो है उसमें। तो इसमें अभी सारे तैयार पौधे अभी नर्सरी में मिल रहे हैं, कुछ के सीडलिंग्स भी हैं। जैसे मैरी गोल्ड के यहाँ हमने काफ़ी सारी सीडलिंग देखी और जो भी सीडलिंग इनके यहाँ थी सभी को इन्होंने पॉट में, पाउच में लगा दिया है ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके। और इधर की ओर आए तो देखिए बोगेनवेलिया कितनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है और बोगेनवेलिया की इतनी सारी वेराइटी यहाँ है जहाँ कहीं और कहीं नहीं मिलती है। और एडेनियम के भी काफ़ी सारे प्लांट हैं यहाँ और खुद ही ये ग्राफ्ट करते हैं और इसके कारण इनके यहाँ वेराइटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे कलर में और वैरायटी में है इनके यहाँ पौधे। तो इस तरह से ये देखिए कितने सारे एडेनियम हैं और कुछ में फ्लावरिंग है कुछ में नहीं। ये देखिए बहुत सारे एडेनियम इन्होंने खुद से ग्राफ्ट किए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं। और इधर कुछ इधर की ओर आए तो सीडलिंग्स हैं, ज़्यादातर मैरीगोल्ड के सीडलिंग्स अभी बचे हुए हैं। मैरीगोल्ड बहुत दिनों तक खिलता रहता है दोस्तों, तो इसके कारण मैरीगोल्ड सबसे ज़्यादा बिकने वाला पौधा है, वो सबके घर में ज़रूर मिलता है, बहुत कम केयर में चलने वाला है। और पॉट की बात करें तो इनके यहाँ जो पॉट है ये टेराकोटा की पॉट है और इतने खूबसूरत, देखिए राधा कृष्ण की फ़ोटो बनी हुई है इसमें और ये ढोलक वाला। तो इस तरह के पॉट यहाँ और किसी नर्सरी में नहीं मिलते हैं, ये कलकत्ता से सीधे यहाँ मंगवाते हैं। तो इसके कारण ये नर्सरी बहुत ही बेस्ट है, जहाँ जाने पर हमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको पसंद हो। तो ये रोज़ का कुछ कलेक्शन है इनके पास, अभी नया नया आया है, कुछ में इसमें फ्लावरिंग है कुछ में नहीं है, लेकिन कुल मिला के सारे पौधे बहुत ही हेल्दी हैं और रेट भी ठीक ठाक है। और इधर कुछ इन्होंने खुद से वेजिटेबल के सीडलिंग बनाए हैं, ब्रोकली के, गोभी के, टमाटर के, ये उनका अपना है। और इधर देखिए छोटे छोटे ये इन्होंने एशियाटिक लिली के बल्ब लगाए हैं जो अभी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, तो ये भी बल्ब वाले पौधे भी इन्होंने रखना शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ से बल्ब वाले पौधे भी ले सकते हैं। और इधर देखिए इधर तो कुछ तुलसी काफ़ी सारी हैं, तुलसी के पौधे भी कई लोग के डिमांड में होता है क्योंकि सब जगह नहीं मिलता। और कुछ परमानेंट पौधे भी इधर हैं जो कि किनारे में रखे हुए हैं जो कि डोरमेंसी में अब जाने वाले हैं। और इधर की ओर आएँ तो सारे पाउच में लगे हुए पौधे हैं जो बिक्री के लिए तैयार हैं। एक एक प्लांट का दाम 35 से 40 रुपया है यहाँ पर मुझे इन्होंने 30 का लगाया है। कई सारे पौधे मैंने इनसे लिए हैं, ये देखिए एंटीरेनम, और इधर पिटूनिया है और बर्बीना है, एंटीरेनम फिर से, ये देखिए इनका है, और साल्विया है, मैरीगोल्ड इधर है बड़े वाले फ्रेंच मैरीगोल्ड और हाइब्रिड वाले मैरीगोल्ड, सारे हर वैरायटी के मैरीगोल्ड इनके पास हैं। ये देखिए ये पिटूनिया की सबसे ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, हॉली हॉक भी है। ये देखिए गेंदे के पौधे हैं कितने सारे, और डायंथस भी है, इधर देखिए कुछ खिले हुए वाले भी हैं, और मैरीगोल्ड सबसे ज़्यादा है इनके पास, बड़े वाले छोटे वाले हर वैरायटी के। और इधर देखिए ये बोगेनवेलिया की छोटी छोटी कटिंग है जो होलसेलर लोग ले जाते हैं उन लोग के लिए,
और इधर देखिए, इधर फिर मैरीगोल्ड, इधर भी फिर ये बोगनवेलिया की कटिंग ढेर सारी। इधर देखिए ये बोगनवेलिया का सारी सारा वैरायटी है, हर तरह हर कलर का और हर साइज का। इधर इतना खूबसूरत है ये बोगनवेलिया, मैंने भी एक लिया है। ग्राफ्टिंग वाले बोगनवेलिया भी ले यहाँ से ले सकते हैं, चार पांच कलर एक प्लांट में। और इधर की ओर आए तो कुछ गमले हैं जो कुछ अलग ही वैरायटी के हैं यहाँ, ये देखिए। इधर की ओर सारे परमानेंट प्लांट रखे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए पाम के प्लांट हैं, और इधर और भी सारे। और इधर कुछ अमरूद के पौधे इन्होंने खुद के लिए लगाए हुए हैं, और गमले तो यहाँ पे इन्होंने रखा है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई है गमलों में। तो इस तरह से गमले इनके यहाँ जो मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, टेराकोटा के, और इतनी मजबूत होती है और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत। इधर कुछ बोगनवेलिया हैं, ये देखिए बोगनवेलिया तो बहुत सारे हैं इनके पास, कलेक्शन बहुत अच्छा है बोगनवेलिया का और अडेनियम का, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और सीजनल प्लांट की तो भरमार है इनके यहाँ, अगर आप जाएं तो हर तरह के प्लांट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए बोगनवेलिया की कितनी सारी वेराइटी है, पुणे वेराइटी की, थाई वेराइटी की, हर वेराइटी की बोगनवेलिया इनके पास मौजूद है। इधर देखिए ये कुछ बड़े बड़े प्लांट्स हैं गमलों में लगे हुए, इसमें पांच कलर के, सात कलर के ग्राफ्टिंग वाले पौधे भी हैं जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। एक मैंने भी पसंद किया है दोस्तों, ये देखिए कलर कितने सुंदर हैं। इस तरह से इधर बोगनवेलिया की सारी वैरायटी रखी हुई है, और सब पॉट में है, बड़े बड़े पॉट में बड़े बड़े पौधे हैं। ग्राफ्टिंग वाली बोगनवेलिया जो पांच कलर के होते हैं उनका उनका रेट 500 से शुरू है यहाँ। पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पौधा आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऐसा है, और ये पाम की सारी वैरायटी इधर जो कि गर्मियों में खूब पसंद किया जाता है पाम अपने इंडोर गार्डन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सारे पाम की वैरायटी हैं, ये देखिए। और इधर कुछ इनका अपना इलाका और ये गमले, और ये दूर से ऐसी है इनकी नर्सरी। और फिर से इधर तो इस तरह से इनकी नर्सरी कुछ इस तरह से है, जहाँ प्लांट ही प्लांट नज़र आएंगे, जहाँ जितनी दूर नज़र जाएगी आपको केवल प्लांट ही नज़र आएंगे। और जो भी प्लांट आपको चाहिए वो सारे के सारे यहाँ मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ होती है, इसलिए कुछ प्लांट आते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। सीडलिंग्स हर तरह की मिल जाती है जो कि कम रेट की होती है, लेकिन अब समय सीडलिंग लगाने की नहीं है दोस्तों, अब तैयार पौधे लेने का समय है। कुछ पौधे मैंने भी सिलेक्ट किए हैं, और तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो नर्सरी विजिट की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसी लगी। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय माई फ्रेंड्स, टेक केयर।